तो इस वक्त मैं हूँ गुवाहाटी में, जो कि कामाख्या मंदिर है। और कामाख्या मंदिर आपका 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहते हैं, जिसमें माता की योनि का भाग जमाने का मंदिर है। तो यहाँ का विशेषता जो है ना, माता जी का यहाँ में साथ साथ में माता जी का जो मेन स्थान है गुरु है लक्ष्मी सरस्वती माना जाता है। रूप अलग है, हाँ रूप उनका अलग है। माता अंगियर कमला जी में बलि किया जाता है, जैसे आप लोगों ने किया है, स्वामी जी ने किया है, बलि करके पूजन हुआ है, बढ़िया से हवन ववन सब कुछ हुआ है। तो साथ साथ में जो दशमा भी। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त है हम लोग गुवाहाटी में, कल हम लोग पहुंचे थे दिल्ली से गुवाहाटी भी नहीं कह सकते, हल्द्वानी से वहाँ पहुँचे हम गुवाहाटी। तो आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है। तो अभी हम लोग है कैनापोई बाइक रेंटल शॉप पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी बाइकें हैं। और हमने लोकल साइट सीन के लिए आज हम लोग ले जा रहे हैं बर्गमैन, जो कि ये है आपके सामने। तो कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, और जो इनके साइड है सब आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, जिससे आप लोग ईजिली यहाँ पर घूम सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो हमें स्कूटी पड़ी, ये आपके हमें पड़ी 1600 की, तो काफ़ी सही प्राइस है। आप आउट ऑफ आसाम, मेघालय, अरुणाचल भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने बाइक एक रेंट करनी पड़ेगी। और जो भी डिटेल्स है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से कामाख्या मंदिर को। फाइनली जब सब लोगों ने तेल डाल दिया है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ, कामाख्या मंदिर। तो चलते हैं और आपको वहीं मिलते हैं। तो लगभग 20 मिनट चलने के बाद सामने आ गया था आपका कामाख्या मंदिर का गेट, और इसी रास्ते से हम गए ऊपर को। और यहाँ से अप्रॉक्स आपका 2-3 किलोमीटर है, और जो रास्ते और नज़ारे थे काफ़ी अच्छे थे। तो बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे कामाख्या मंदिर के सामने, और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी पार्क करने, जो कि ऊपर ही था और जिसका हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया था, और यहीं से हम लोग गए फिर यहाँ से नीचे को। तो अभी जो स्कूटी हमने ऊपर पार्क करी है, यहाँ पे नंबर ये है 1007। तो अभी चलते आगे को। ऐसे हुआ हमारा सफ़र शुरू माता के मंदिर को। तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है मंदिर के मुख्य गेट के सामने से, और प्रसाद वैसे तो 500-300 कह रहे थे, हम लोगों ने इसके 200 रुपये दिए। तो आप लोग चेक कर लें रेट का, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस आता है और समझ में भी आता नहीं उतना। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से हल्के हल्के ऊपर को। वहाँ पे बहुत कुछ है जगह बारे में, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ऊपर पहुँच के। अंदर दर्शन करने के लिए अगर आपने नॉर्मल लाइन से जाना है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। और ये जो हमने पास लिया, ये 501 रुपीस का था, जिसमें आपका VIP दर्शन होता है कहते हैं, लेकिन बस ये लाइन से थोड़ा ही आपको 1-2 घंटा आपका बचाता है, लेकिन जो दर्शन होते हैं इसमें बिल्कुल आपका सेम रहता है, जो कि नॉर्मल लोग जैसा ही है। बस ये ठहरा कि आपका इसमें 1-2 घंटा आपका बच जाता है। तो हम लोग आ गए थे गर्भगृह दर्शन करके, और अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो काफ़ी अच्छे दर्शन रहे। तो अब आप लोग सुनिए पंडित जी के मुँह से जगह के बारे में। देखिए, ये कामाख्या माता जी का जो पीठ स्थान है ना, ये शुरुआत में जो ओरिजिनल है ना, ये शुरुआत से पहले से असुर के ज़माने का मंदिर है। तो यहाँ का विशेषता जो है ना, माता जी का यहाँ में साथ साथ में माता जी का जो मेन स्थान है गर्भगृह ना, गर्भगृह में आपका 3 महापीठ है, कामाख्या देवी जी, लक्ष्मी देवी जी, सरस्वती देवी जी। जिसको लक्ष्मी सरस्वती बोलते हैं उनको मातंगियर कमला देवी बोलते हैं। एक चीज़ बहुत लोग नहीं मानते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती जी में बलि जो होता है ना, मातंगी कमला में रूप से होता है हम लोग का। लक्ष्मी सरस्वती जी में बहुत लोग बोलते हैं कि बलि तो नहीं होता है, लेकिन मातंगी और कमला जो है लक्ष्मी सरस्वती ही माना जाता है। रूप अलग है, हाँ रूप उनका अलग है। मातंगी और कमला जी में बलि किया जाता है, जैसे आप लोगों ने किया है, स्वामी जी ने किया है, बलि करके पूजन हुआ है, बढ़िया से हवन ववन सब कुछ हुआ है। तो साथ साथ में जो दशमा विद्या है ना, माता जी का 3 महापीठ हो गया गर्भगृह में, उसके बाद में काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती, भैरवी, मातंगी, कमला, पूरा दशमा विद्या पीठस्थान कामाख्या पहाड़ी के अंदर में ही है। बलि जरूरी है यहाँ में, अगर नित्य बलि में जो नित्य डेली पूजा होता है ना, बलि एक बलि चढ़ेगा ही माता जी का, बलि चढ़ने के बाद में मंदिर खुलता है नॉर्मली। बलि खुल जब पूजन होगा, डेली पूजा करके एक बकरा बलि दिया जाएगा, बकरा बलि के बाद में मंदिर खुलता है। जय माता। तो यही है यहाँ की कहानी, बाकी जो स्टोरी है वो आपको मैं बताता हूँ।
तो इस वक्त आपके बज रहे हैं 4:30 और हम लोग यहाँ पे आए थे करीबन 1 बजे और 1 से 2 बजे आपका ये पूरा बंद रहता है। तो उस वक्त यहाँ पे मंदिर के कपाटे बंद रहते हैं और हमारे जो दर्शन थे 2 बजे के बाद हुए। हमने एक VIP टोकन लिया था जो कि अप्रोक्स आपका पड़ा था 501 रुपये का, जो कि आपको मंदिर के बगल से मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ेगा। अप्रोक्स 3 या 4 घंटे या 5-6 घंटे में भी आपका नंबर आ सकता है। लेकिन VIP दर्शन का ये है कि आपको थोड़े पास से गेट के अंदर जाना पड़ता है। दर्शन दोनों के सेम होते हैं बट थोड़ा समय बचता है, लेकिन VIP दर्शन में भी आपका अप्रोक्स 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो इस वक्त हम लोग हैं पीछे साइड मंदिर के। और तो इस मंदिर की कहानी ये है कि जो महादेव की वाइफ थी माता सती, जब उनकी मृत्यु हो गई थी और जब महादेव अपनी माता सती को अपने हाथ में लेके घूम रहे थे पूरे संसार में, तो उस वक्त विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता के जो अंग होते हैं सब काट दिए थे, जिस कारण जो यहाँ पे योनि का भाग था वो यहाँ गिरा था। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है और इस मंदिर की विशेषता भी बहुत कुछ है। और यहाँ पे हर दिन किसी बकरी या किसी जानवर की बलि चढ़ती, कह रहे थे मैंने पूछा तो। और सीजन के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो अगर आपने दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ देख के आइए। और मेन चीज़ तो अगर आप शाम के टाइम आओगे तो आपको थोड़ा इजी दर्शन हो जाएगा सुबह के मुकाबले। और जो गर्भगृह था वहाँ अंदर बहुत ही अच्छा था, वहाँ पूरे माता का जो भी अंग जिसका हम पूजा करते, जो चीज़ अंदर था पुराना, सब कुछ बढ़िया करके दर्शन कराया और काफ़ी अच्छा रहा। 2-3 घंटे लगे लेकिन काफ़ी सुंदर अनुभव था। और ये पूरा आपका मंदिर है, जो मेन हिस्सा है वो वहाँ पे है जो कि माता का गर्भगृह है। बाहर से आपको मैं दिखाऊंगा, तो अभी वहीं चलेंगे तो वहीं से दिखाऊंगा। तो ये आपकी जगह है, ये ऊपर कुंड है मंदिर के जस्ट बगल में, जहाँ पे आप लोग हाथ मुंह देके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर को, और ये पूरा आपका मार्केट है जहाँ से आप ले सकते हैं, आप यहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। और यूजली प्रसाद जो आपका 200, 300, 350, 400 समथिंग का रहता है, तो आप लोग अपनी बार्गेनिंग करके खुद ले सकते हैं प्रसाद। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर को, काफ़ी अच्छे दर्शन रहे हमें, लगभग यहाँ पे 4-5 घंटे हो गए। और अंत वाला तो बोला जय माता दी, सबको कृपा बनाए रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो फाइनली हमारी सवारी चल गई है यहाँ से नीचे की तरफ, और ये रास्ता सेम काठमांडू में जगह थी वैसा याद दिला रहा है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे ठंडा हो रहा चाहते टाइम, सुकून टाइप का जैसे नॉर्मली होता है नैनीताल या चंपा साइड में जब हम लोग जाते हैं खुद को। और चलते हैं हौले हौले से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है और कहाँ का दर्शन करने पता नहीं। तो अभी जस्ट हम लोग जा रहे थे व्यू पॉइंट की तरफ को, लेकिन और जो सामने का व्यू है वो कुछ ऐसा है। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी का व्यू पॉइंट, और जो व्यू पॉइंट है वो अभी आपके सामने, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग रुक रुक के आए थे, बाकी व्यू तो अच्छा ही है। पहाड़ों का जैसे ही जैसे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होता है ना, उसी टाइप का है पूरा। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस व्लॉग का एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद बॉबी एंड कीप सपोर्टिंग। और जो इसके आने वाले पार्ट है वो काफ़ी एडवेंचर रहने वाले, तो स्टे ट्यून। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।